इस बोर्ड में। ये जो पास करने वाली बात है, इसकी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई कि पास इलाज हासिल करेंगे, लेकिन हमारी इंतहाई अभी हमने एक दो तीन दिनों के बाद फिर एक बैन सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उसमें बैठ के इस पर मजीद गौर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तलीमी इदारे दोबारा बंद करने के हवाले से आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें। जैसे कि नाज़रीन आप पीछे से वीडियो भी सुन चुके हैं कि तीन दिन बाद एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया है कि जो मैट्रिक के इम्तिहान हुए हैं उनको तमाम तलबा को पास मार्क दिए जाएँ या नहीं। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि इसमें यह भी फैसला कर दिया जाएगा कि किन अज़ला में तलीमी इदारे बंद करें, और नाज़रीन आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताते चलें कि यह फैसला किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में तलीमी इदारे नहीं बंद किए जाएंगे, जहाँ पर जिन अज़ला में करोना वायरस की शरह ज़्यादा है उन अज़ला में तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताते चलें कि आज एक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वज़ीर तालीम शौकत महमूद साहब से मीटिंग की है, तो उस मीटिंग में ये फैसला किया है, उनको तजवीज़ पेश कर दिया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, तो लिहाजा तलीमी इदारे बंद करें। तो वज़ीर तालीम शौकत महमूद साहब का कहना है कि उन अज़ला में तलीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे जिन अज़ला में कोरोना वायरस की चौथी लहर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में तलीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। तो इसी के हवाले से हतमी फैसला, तीन दिन तक एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये फैसला कर दिया जाएगा कि किन अज़ला में तलीमी इदारे बंद करें, क्योंकि अभी इसका रिव्यू कर रहे हैं कि किन अज़ला में कोरोना वायरस की शरह ज़्यादा है।